क्या कंगना रनौत स्टारर तेजस, जो आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, क्या बॉक्स ऑफिस पर ऊंची उड़ान भर पाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल आर्ट ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म तेजस को। लेकिन हमेशा की तरह आपको याद दिलाना जरूरी बनता है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। तेजस कहानी है एक निडर, बहुत बोल्ड, बहुत एफिशिएंट आईएएफ ऑफिसर तेजस गिल की, प्लेड बाय कंगना रनौत। तेजस अपने को पायलट आरफिया यानी अंशुल चौहान के साथ एक और आईएएफ ऑफिसर की जान बचाती है जो किसी ट्राइबल आइलैंड में फंस चुके हैं, एंड उनको ऑर्डर्स है अबॉर्ट द मिशन, लेकिन वो फिर भी ऑर्डर्स को ना मान के उस ऑफिसर की जान बचाती है जिसके लिए उन दोनों पर, तेजस और आरफिया पर, इंक्वायरी बैठने वाली है। लेकिन इंक्वायरी, टू देयर गुड लक, इंक्वायरी कैंसिल हो जाती है। इनफैक्ट तेजस को एक रेस्क्यू मिशन का हेड बनाया जाता है। आईएएफ ऑफिसर प्रशांत, प्लेड बाय विशाख नायर, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट के गिरफ्त में है और उनकी हत्या होने वाली है और उन्हें बचाना है। तो तेजस और आरफिया आईएएफ प्लेन में जाते हैं पाकिस्तान में उन्हें बचाने के लिए। किस तरह जाते हैं, कैसे बचाते हैं, और इवन एज द रेस्क्यू ऑपरेशन इज अंडर वे, प्रशांत तेजस को इन्फॉर्म करता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने पूरा प्लान बना लिया है राम जन्मभूमि टेम्पल के इनॉग्रेशन पर वहां पर बॉम्ब एक्सप्लोजन करने का, एंड दैट इज जस्ट सम टाइम अवे, यानी सेम डे सेम टाइम। कैसे तेजस ये प्लान को फॉइल करती है और कैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट, ड्रेडेड टेररिस्ट खातूनी, प्लेड बाय मुश्ताक काक, उनका खात्मा करती है, ये बताया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद तीनों लिखे हैं सर्वेश मेवाड़ा ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। सबसे पहली बात तो ये कि एक टेम्पलेट फॉर्मेट में इसकी कहानी और पटकथा लिखे गए हैं, और टेम्पलेट फॉर्मेट इस किस्म की फिल्मों में हमने इतने सारे देख लिए हैं कि इसमें इम्पैक्ट नहीं आता है। जस्ट वन एग्जाम्पल, जो तेजस की बैक स्टोरी है, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, वो ऐसे टाइम पर ड्रामा में ऐसे टाइम पर आता है कि उसका इम्पैक्ट एकदम कम हो जाता है, और क्योंकि टेम्पलेट फॉर्मेट में लिखी गई है, देर आर नो सरप्राइजेस, नो शॉक्स, ड्रामा चल रहा है, इट डजंट इन्वॉल्व यू। एक रेस्क्यू मिशन है और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार, हमेशा तैयार आईएएफ ऑफिसर की कहानी है, उस कहानी में अगर आपको रोना ना आए तो बात नहीं बनती है। प्लस पेट्रियोटिक फ्लेवर होना बहुत जरूरी था। इस फिल्म में पेट्रियोटिक फ्लेवर की बहुत कमी है। एक्चुअली इस प्रकार की स्टोरी इंस्पिरेशनल होनी चाहिए, इंस्पायर करनी चाहिए ऑडियंस को कि हम भी हमारे देश के लिए कुछ करें, लेकिन वो पेट्रियोटिक फ्लेवर भी कम है। राइटर डायरेक्टर सतीश मेवाड़ा ने कैरेक्टराइजेशंस पर कम मेहनत की है। मिसाल के तौर पर प्रशांत, प्रशांत को बचाने के लिए हमारे ड्रामा का हीरो यानी हीरोइन तेजस गिल जाती है, लेकिन प्रशांत का कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता है। इन सब खामियों के अलावा एक बहुत बड़ी खामी है कि फिल्म में तीन क्लाइमैक्सेस है। रेस्क्यू मिशन अंडरवे है, उसी के साथ दूसरा क्लाइमैक्स है राम जन्मभूमि टेम्पल और वहां मौजूद लाखों लोगों को बचाने का, एंड ये दोनों क्लाइमैक्स खत्म होते हैं तो तीसरा क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है जब तेजस गिल ठान लेती है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट खातूनी का खात्मा वो करेगी। तो सतीश मेवाड़ा को शायद पता नहीं कि तीन क्लाइमैक्सेस साइमल्टेनियस या कनकरेंट या एक के बाद एक, ऐसे तीन क्लाइमैक्सेस साथ में लिखना एंड साथ में बताना पूरे ड्रामा का इंप्रेशन और इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। तेजस गिल इतने बड़े मिशन पर गई है एक आईएएफ ऑफिसर को रेस्क्यू करने के लिए, एंड उसका इंपैक्ट ही नहीं है बिकॉज साइमल्टेनियसली राम जन्मभूमि टेम्पल वाला क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है। और विजुअल इफेक्ट्स जो है रेस्क्यू मिशन के, वो इतने खराब है, इतने पुअर है कि वो मैग्नीट्यूड, वो स्केल लगता ही नहीं है। एक और बात, जो एयरक्राफ्ट को, इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट को कैमोफ्लाज करने की बातें होती है, वो इतनी टेक्निकल है कि ऑडियंस के गले ही नहीं उतरती है। यहां तक कि ऑडियंस सोचती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी इट इज अनपलैटेबल। एंड सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के रेस्क्यू ड्रामा में अगर ऑडियंस को रोना ना आए, अगर ऑडियंस चीखे मार के तालियां ना बजाए, तो
तो बात ही नहीं बनती है, और इस ड्रामा में उसकी बेहद कमी है। सतीश मेवाड़ा के डायलॉग्स पंच लैक करते हैं, दे आर नॉट पंच पैक। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। कंगना रनौत ने तेजस गिल की भूमिका समझदारी से निभाई है, लेकिन वो फायर ब्रांड परफॉर्मेंस जो इस किरदार से हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड जो कंगना रनौत जैसी आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिसिंग है। अंशु चौहान जो उनकी को पायलट आरफिया की भूमिका निभा रही है, शी इज अर्नेस्ट, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा ठोस नहीं है। एकवीर की भूमिका में वरुण मित्रा इज एवरेज। विशाख नायर इन द रोल ऑफ प्रशांत इज सोसो। आईएएफ चीफ की भूमिका में आशीष विद्यार्थी ने काम ठीक ठाक किया है। खातूनी पाकिस्तानी टेररिस्ट खातूनी की भूमिका में मुश्ताक काक इज ओके। रियो कपाड़िया एज द रॉ चीफ मेक्स इट्स प्रेजेंस फेल्ट। इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं लाइक मोहन अगाशी, वीना नायर एटसेट्रा एटसेट्रा, सबका छोटा छोटा काम है एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ऑल द सपोर्टिंग कास्ट हैज लेंट ऑर्डिनरी सपोर्ट। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। सतीश मेवाड़ा का निर्देशन कमजोर है। इस प्रकार के रेस्क्यू मिशन का नरेशन ऐसा होना चाहिए था कि ऑडियंस फूट फूट के रोए एंड तालियां और सीटियां बजाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिल्म में संगीत शाश्वत सचदेव का है, गाने ठीक ठाक है, एक गाना संयावे दैट इज रियली नाइस, एक आध गाना डिलीट हो सकता है। कुमार के लिरिक्स काफी वजनदार है। शाश्वत सचदेव का बैकग्राउंड म्यूजिक शुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल। हरी के वेदंतम की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है। इस प्रकार की फिल्म में एक्शन और स्टंट्स मजेदार होने चाहिए बिकॉज दे हैव शोन एरियल कॉम्बैट, मगर वो बात ही नहीं बनती है। आप इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, आप उन एक्शन सीन्स और स्टंट सीन्स का हिस्सा ही नहीं बन पाते हैं। एंड प्लस हॉलीवुड की फिल्मों के एक्शन एंड स्टंट सीन्स देखने के बाद इस प्रकार के एक्शन सीन्स जो तेजस में है वो थोड़े कमजोर लगते हैं। प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज गुड, आर्ट डायरेक्शन इज गुड एंड आरिफ शेख की एडिटिंग शुड हैव बीन मच मोर शार्प, मच शार्पर, मच क्रिस्पर। तो ओवरऑल तेजस एक कमजोर ड्रामा है और इसलिए ये बॉक्स ऑफिस पर रह जाएगी। कहने का मतलब है दिस विल एंटेल लॉसेस, मेनली बिकॉज इट लैक्स द फायर ऑफ अ थ्रिलर, इट लैक्स द वॉर्म्थ ऑफ अ रेस्क्यू मिशन एंड इट लैक्स द पेट्रियोटिक फ्लेवर। यहां पर मैं आपको बता दूं आज तेजस की ओपनिंग कमजोर है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ तेजस, कमेंट सेक्शन में जाइए अभी और हमें बताइए आपके कमेंट्स द्वारा। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स।